असलकुम माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न मैथ्स चैप्टर नंबर एट शेप्स स्पेस एंड पैटर्न आज हम मैथ्स का न्यू लेसन करेंगे अंडरस्टूड स्टार्ट first of all looking back of second standard rangoli is done for many festivals they can have both curved lines and straight lines draw over the rangoli design which has only straight lines in red which has only curved line in only curved line in green and both curved and straight line in blue agar this rangoli jo first उसमें आपको ट्रेस करना है मतलब ओवर करना है जो स्ट्रेट लाइन होगी ओनली उसमें रेड कलर कव होगी उसमें ग्रीन कलर और कव और स्ट्रेट दोनों होगी उसमें ब्लू कलर अंडरस्टूड हियर आर सम एग्जांपल सॉरी हियर आर सम सिंपल पैटर्न्स फॉर यू टू कॉपी यहाँ पे जो पैटर्न दिया है यहाँ पे यहाँ पे जो पैटर्न दिया है वो यहाँ पे कॉपी करना है ये सब मैं वैसे ही करना है लुकिंग बैक आपको खुद से करना है ओके ए वन फ्लेट शिप्स मैथ दिप्स यू विल गेट इफ़ यू ड्रेस ट्रेस आउटलाइन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देन मैच द नेम ऑफ द शेप टू एक्चुअल शेप नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बिलो इट्स शेप मीन्स आपको पहले ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल्स सर्कल और ट्राइंगल जो दिया है उसमें कॉर्नर्स और साइड्स देखनी है साइड्स मीन्स ये जो होती है उसको साइड्स बोलते हैं कॉर्नर मीन्स दो जो एड्स होती है जो मिल दो एड्स जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कॉर्नर बनता है तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का कॉर्नर corner, कितने कॉर्नर्स होते हैं फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स रेक्टेंगल के फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स सर्कल के ज़ीरो फोर कॉर्नर्स जीरो साइड्स एंड ट्राइंगल के फोर सॉरी थ्री कॉर्नर्स एंड थ्री साइड्स अब मैच करना है ये ऊपर का टॉप है कैप है तो ये सर्कल है और सर्कल कहाँ पे यहाँ पे तो ऐसे करके मैच करना है ये आपको मैच खुद से करना है पर एफ भी जो है मैंने फिल करके दी है अंडरस्टूड ये सर्कल को यहाँ से ऐसा मैच करना है अंडरस्टूड नाउ हाउ आर स्क्वायर एंड रैक्टेंगल अ लाइक बिकॉज बॉथ ऑफ हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स क्यों स्क्वायर और रैक्टेंगल दोनों सेम हैं क्योंकि दोनों के फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स हैं फिर हाओ आर दे डिफरेंट वो दो वो दोनों डिफरेंट कैसे हैं बिकॉज स्क्वायर हैज़ ऑल इट्साइज साइड्स इक्वल स्क्वायर है उसकी सब साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल हैज इट्स अपोजिट साइड इक्वल पर रेक्टेंगल को सिर्फ उसकी जो अपोजिट साइड्स है वही इक्वल है आर द्राइंगल टू ये सब ट्राइंगल है ट्राइंगल किसको बोलते हैं जिसको थ्री कॉर्नर्स एंड थ्री साइड्स होती है तो ये है यस yes, ये भी है यस yes, ये भी है yes, यस yes, और ये भी है तो ओवरऑल क्या आएगा स्क्वायर ये स्क्वायर है यस पर यह थोड़ा उल्टा स्क्वायर है इज द स्क्वायेर ये स्क्वायर है यस ये भी थोड़ा उल्टा स्क्वायर है पर है स्क्वायर हाव इज दर्कल डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल because square and rectangle has four corner and four sides and triangle has three corner and three, size, uh, three, corner and three sides and circle has zero corner and zero sides sorry zero so, uh, corner and zero sides that's why circle is different from square rectangle and triangle understood Now make new shapes from old ones. Draw a line across the first shape to make the two new shapes shown next to it. Remember the shapes can be turned around. जो ये एक शेप हमको जो दिया है उसके बीच में या कहीं पे भी एक अक्रोस लाइन बनानी है ताकि दो शेप बन जाए देखो यहाँ पे जो हाफ सर्कल दिया है उसमें हमने बीच में लाइन बना दी तो टू सेमी सर्कल्स मतलब हाँ टू सेमी सर्कल तो नहीं पर वन फोर्थ पार्ट बन गए ऐसे ही आपको सब शेप में अक्रोस लाइन बनानी है और न्यू शेप्स बनाना है अंडरस्टूड सर्कल टू शेप्स दैट कैन बी पुट टूगैदर टू मेक फर्स्ट शेप रिमेम्बर दैट द साइज मैच एंड शेप मे बी टर्न अराउंड देखो यहाँ पे हमको ए में ये फोर शेप्स दी है उसमें से कोई भी टू शेप्स लेने जिससे एक शेप अच्छे से बन जाए तो ये शेप है उसको इसके बाजू में रख दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा वैसे ही ये फोर आपको कंप्लीट करने हैं अंडरस्टूड हमने ये शेप्स और पैटर्न्स का लेसन सेकंड स्टैंडर्ड में कर लिया है इसके लिए बहुत ही इजी इजी लेसन है सॉलि ए टू सॉलिड शेप्स मैच द सॉलिड शेप्स टू इट इट्स नेम मैच करना है ये क्यूब ये स्पीयर ये कॉन ये सिलेंडर एंड क्यूबॉइड दीज आर डिफरेंट शेप्स वी सी वैन वी लू क पेंसिल बॉक्स और अवबॉइड इन डिफरेंट वेस जब हम पेंसिल बॉक्स को देखते हैं तो वो कैसे दिखता है टॉप मतलब पेंसिल बॉक्स को हम खड़ा कर देवे तो उसका जो टॉप साइड है वो ऐसे दिखता है फिर साइड उसकी जो साइड साइड है वो ऐसे दिखती है और फ्रंट ऐसे दिखता है अंडरस्टूड वॉट सॉलिड शेप्स डू यू थिंक दिस शेप बिलोंग टू ये जो टॉप फ्रंट एंड साइड तो ये सिलेंडर के जैसे है फिर बॉटम साइड मतलब ये ट्रायंगल मतलब पेंसिल के जैसे है पेंसिल जो होती है वो ये कौन के जैसे ये टाइप की ही होती है फिर टॉप एंड साइज साइड तो ये बॉक्स केक बॉक्स होता है वो ये ये तरीके की ही होती है नाउ एक्सरसाइज एट ए फाइंड दिस ऑब्जेक्ट लुक एट देम केयरफुली धैन कंप्लीट द टेबल ऑब्जेक्ट दिया है शेप हमको लिखना है नंबर ऑफ एज लिखनी है नंबर ऑफ फेसेस लिखना है और नंबर ऑफ कॉर्नर लिखना है सबसे पहले ये बॉक्स है क्यूबॉइड ये क्या है क्यूबर्ड उसकी एडजिस्ट होती है ट्वेल्व फेस होते हैं सिक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं एट फिर स्पीयर स्पीयर के जीरो कॉर्नर्स सॉरी जीरो एड्स जीरो फेसेस एंड जीरो कॉर्नर्स क्यूब क्यूब के ट्वेल्व एड्स सिक्स फेसिस एंड एट कॉर्नर्स ऐसे सिलेंडर और कौन का आपको अपने खुद से करना है अंडरस्टूड नाउ एक्सरसाइज एट बी एट बी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है जो हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में शेप्स और पैटर्न्स में किया था सेम टू सेम वैसा ही करना है पैटर्न्स कंप्लीट करनी है उसमें वन कंसेप्ट जो है वो ही नहीं है तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी बाकी का आपको खुद ही मैं एक बार बता दूंगी आपको खुद ही करना है दिस पैटर्न रिपीट ड्रो द नेक्स्ट वन स्क्वेयर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर तो हमको सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर ड्रॉ करना है फिर ट्राइंगल फिर उल्टा ट्राइंगल ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल ऐसे आपको नंबर वन करना है अभी नंबर टू उसमें कैसे है वन टू थ्री डॉट वाला एल है फिर उसमें ऊपर वन डॉट और साइड में वन डॉट ऐड करके आपको एल एल बनाता जाना है ऐसे ये थ्री कंप्लीट करना है फिर दिस पैटर्न इंक्रीज एंड देन रिपीट ड्रो एंड ड्रो द नेक्स्ट वन हमको उसमें देखो वन में फिर वन है ऐसे ऊपर और नीचे स्टैंडिंग लाइन वाला फिर ये दूसरा है सर्कल उसमें ऊपर नीचे स्टैंडिंग लाइन और आजू बाजू में भी स्लीपिंग लाइन ऐसे इंक्रीज हुआ है आपको भी ऐसे इंक्रीज करके ड्रो करना है डोड भी सेम वैसे ये भी आपको खुद से करना है एक्सरसाइज इट बी डूइड बाई योर सेल्फ नंबर फोर सेम टू सेम हमने आगे किया वैसे ये भी वैसे ये भी वैसे फिर ये जो कंसेप्ट है वो नया है वो आप अच्छे से कंसनट्रेट कॉन्सट्रेट इधर रख के ध्यान से देखना कैन यू सपोर्ट द रूल्स सपोर्ट द रूल्स इन दिस नंबर पैटर्न राइट द नेक्स्ट टू नंबर फोर एच देखो नंबर ए सॉरी ए देखो वन टू फोर एट सिक्स वन का डबल करके आया टू टू का डबल करके आया फोर फोर का डबल करके आया एट एट का डबल करके आया सिक्सटीन सिक्सटीन का डबल करोगे तो आएगा थर्टी टू और थर्टी टू का डबल करोगे तो सिक्सटी फोर फिर बी हंड्रेड में से ट्वेंटी कट किया तो एटी एटी में से ट्वेंटी कट किया तो सिक्सटी सिक्सटी में से ट्वेंटी कट किया तो फोर्टी फोर्टी में से ट्वेंटी कट किया तो ट्वेंटी और ट्वेंटी में से ट्वेंटी कट किया तो जीरो नंबर थ्री टेन में वन ऐड किया तो एलेवन इलेवन में टू ऐड किया तो थर्टीन थर्टीन में थ्री ऐड किया तो सिक्सटीन सिक्सटीन में फ़ोर ऐड किया तो ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फ़ोर में फ़ाइव ऐड किया तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में सिक्स ऐड किया तो थर्टी वन एंड स्टूड नाव डी वन ज़ीरो सेवन वन हंड्रेड सेवन वन हंड्रेड फोर्टीन तो उसमें सेवन एड एड करता करते हुए जाना है वन हंड्रेड सेवन वन हंड्रेड फोटी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन वन हंड्रेड ट्वेंटी एट वन हंड्रेड थर्टी फाइव वन हंड्रेड थर्टी फाइव में सेवन ऐड करोगे तो वन हंड्रेड फोर्टी टू वन हंड्रेड फोर्टी टू में सेवन ऐड करोगे तो वन हंड्रेड फोर्टी नाइन फिर आपको क्या करना है ये तो ये में ये तो जो नंबर हो गए उसको ऐड करना है वन प्लस वन टू टू प्लस वन प्लस टू थ्री टू प्लस थ्री फाइव थ्री प्लस फाइव एट फाइव प्लस एट थर्टीन थर्टीन एट प्लस थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन थर्टी फोर ऐसे आपको ये पूरी पैटर्न करनी है देखो ए में जो है वो नंबर का डबल किया है फिर बी में ट्वेंटी ट्वेंटी कट किया है सी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे ऐड किया है एट में सेवन सेवन ऐड किया है फिर जो ई e है उसमें टू नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर बनाना है अंडरस्टूड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज एट ए और एट बी समझ में आया होगा आप वीडियो देख के एक्सरसाइज़ को फिल करना अगर नहीं समझ में आए तो मैम पीडीएफ आपको सेंड करने ही वाले हैं उसमें से देख के आप कर लेना अंडरस्टूड थैंक यू अस्सलामुअलैकुम वरह वक्